अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक बार एक कंपनी के मालिक ने एक छोटी सी गलती होने पर अपने मैनेजर को बहुत खरी खोटी सुना दी। मालिक की बातें सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन वो उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। कुछ कहता तो उसकी नौकरी चली जाती। गुस्से में वो मैनेजर अपने मालिक के केबिन से बाहर आ गया और बाहर आकर उसने अपना सारा गुस्सा स्टाफ पर निकाल दिया। अब बिना वजह डांट पड़ने की वजह से स्टाफ वालों को भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो भी मजबूर थे, अपने मैनेजर से कुछ कह नहीं सकते थे। लेकिन अब स्टाफ वाले अपना गुस्सा किस पर निकालते? वो आपस में एक दूसरे से तो लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें आपस में मिलकर ही काम करना है। तो सारे स्टाफ वाले घर जाते वक्त अपना गुस्सा किसी न किसी बात को लेकर गेट पर खड़े वॉचमैन पर निकालने लगे। उनकी बातें सुनकर वॉचमैन को भी गुस्सा आ गया। अब वॉचमैन अपना गुस्सा किस पर निकाले? सारा स्टाफ निकल गया। वॉचमैन ने गुस्से में ऑफिस का ताला लगाया और घर आ गया। घर पर आया तो उसकी पत्नी की ने उसकी पसंद का खाना नहीं बनाया था। वॉचमैन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने ऑफिस की भड़ास भी अपनी पत्नी पर निकाल दी और उसे बहुत सुना दिया। पति की बातें सुनकर पत्नी को भी गुस्सा आ गया। वो अंदर गई और उसने अपने बच्चे को एक जोर से थप्पड़ मार दिया और बोलने लगी, पढ़ाई करता नहीं है और सारा दिन टीवी ही देखता रहता है। मम्मी से मार खाकर वो बच्चा गुस्से में घर से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने एक पत्थर उठाया और अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए उसे आसमान की तरफ फेंक दिया। वो पत्थर थोड़ा दूर सो रहे एक कुत्ते के सर पे जा लगा। कुत्ता गुस्से में उठा और उसने इधर उधर देखा तो उसे दूर एक आदमी दिखाई दिया। कुत्ते ने सोचा कि पत्थर इसी ने मारा होगा। कुत्ता दौड़ता हुआ गया और उसने उस आदमी को काट लिया। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते से अपना पीछा छोड़ाया और जिस आदमी को उस कुत्ते ने काटा वो उसी कंपनी का मालिक था जिसने सुबह ऑफिस में अपने मैनेजर को डांटा था। वो आदमी थोड़ी देर तक बस यही सोचता रहा कि आखिर इस कुत्ते ने मुझे बिना वजह काटा क्यों। रोज तो ये मेरे पास दुम हिलाता हुआ आता था, लेकिन आज इसे ऐसा क्या हो गया जो इसने मुझे काट लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कर्मों का फल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जाने अनजाने में कितने लोगों के साथ बिना वजह गलत व्यवहार करते हैं जिसकी वजह से दूसरे परेशान होते हैं और कितनों का तो बहुत नुकसान भी हो जाता है, पर हमें तो उसका अंदाज़ा भी नहीं होता क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में ही जीते हैं। पर ऊपर वाला सब देखता है और वो हमारी कर्मों का फल किसी और तरीके से हमें जरूर देता है। इसलिए ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हर किसी की परेशानी को समझें, किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि जैसा बीज हम बोते हैं वैसी ही फसल हमें मिलती है। आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे वो किसी ना किसी रूप में आपके पास लौट कर आ ही जाएगा। फिर चाहे आप किसी को नफरत दें या फिर प्यार, जिंदगी को बिना लड़ाई झगड़ों के भी जिया जा सकता है। किसी को अपनी गुस्से से समझाने से बेहतर है कि आप उस बात को प्यार से समझाएं। हमेशा याद रखें, अच्छे कर्मों से ही इंसान महान बनता है। अच्छे कर्म करने के लिए हमें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हमें अपनी सोच और समझ को अच्छा करना होता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।